हे एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई हो सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज एक मज़ेदार ब्लॉग्स होने वाला है, बहुत ही फाइटिंग होने वाला है, ठीक है, कांकड़ा के साथ देख रहे हो ना आप लोग। और बहुत ही मस्त एक मैंने रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, टेस्टी मज़ेदार। और ये है कांकड़ा, ठीक है, समुंदर का कांकड़ा है, ठीक है। और इसको लेके हम अभी इधर पूरा ये होने वाला है। देखो, मम्मी को काटने नहीं हो रहा है, मम्मी बहुत डर रहे थे क्योंकि उन्होंने पहले करते थे तलब का जो है, बट ये आज थोड़ा ताकतवर था कांकड़ा, सो इसीलिए। और बाद में उसको धो के लाओ बोले, उसमें मिट्टिया था तो हाथ स्लिप हो रहा था। तो बाद में देखो राहुल गए हैं और कांकड़ा को करने के लिए, एक तो निकाल दिया पैर, बट और एक पैर निकाल रहे ऐसे करके मम्मी और राहुल दोनों मिल के, देखो, ठीक है। बाद में राहुल ने बोला मिट्टिया है, हाथ स्लिप हो रहा है, इसको धो के लेके आओ, बाद में देखेंगे, ठीक है, बाद में मैं ही काट देता हूँ, ऐसे करके बोल रहे थे। तो यही सभी चल रहा था, बहुत सारे हंगामे चल रहा था घर पे कांकड़ा को लेके। तो बाद में मैंने आप लोगों के साथ कांकड़ा रेसिपी शेयर करूँगी। आज का ब्लॉग इधर से ही स्टार्ट होता है। ये देखिए, दो बड़ा बड़ा दाड़ा जो होता है, बहुत ही ताकतवर होता है ये कांकड़ा। ये देखो, बाद में धो के लाने के बाद राहुल का, ये देखो, साड़ा सी से पकड़ रहे कांकड़ा और उसका दाड़ा तोड़ेगा। देखो ये देखो ये देखो, मीन्स बहुत ही हंसी आ रहा था, बहुत ही मज़ा हो रहा था। मेरा मौसी का बेटी था हमारे घर पे और वो भी देख के बहुत हंस रहा था। मैं भी बोल रही थी क्या कर रहे हैं आप, बोले देखो ना क्या करता हूँ, ये देखो पकड़ लिया है अभी साड़ासी से, अभी इसको तोड़ेगा, ये देखो ऐसे करके। तो कांकड़ा कौन कौन खाना पसंद करते हो, किसको इसको बहुत अच्छे लगते हैं, प्लीज़ कमेंट्स में बताओ। और जो लोग ऐसे फेस करते हो वो भी कमेंट्स में बताओ, ठीक है। बाद में एक ट्विस्ट है इसके बाद, ठीक है। ये देखो राहुल कैसे कर रहे थे, राहुल को टेक्निक पता है, ये तो पता चल रहा था। बाद में मेरा मौसी का बेटी जो है ना, मेरा बहन, उसका सासू माँ, ठीक है, मेरा मौसी को हमारे गाँव पर ही दिए हैं, मौसी का बेटी को। सो मौसी का बेटी इधर था तो उनका सासू माँ भी आए थे, तो उन्होंने आके पटापट पकड़ा और पटापट तोड़ के चला गया, ठीक है। बोले दो मुझे, मैं कर देता हूँ, ये देखो पटापट कैसे कर रहा है। सभी दाड़ा तोड़ दिया, काकड़ा पूरा हो गया। इतना देर तक मम्मी, राहुल, मैं सभी मिलके जो हंस रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, कैसे होगा, क्या होगा, मम्मी बोल रहा था क्या हो जाएगा, आज नहीं होगा क्या। तो वो मेरा मौसी है, मेरा काकी माँ भी लगता है, मीन्स काकू काकी, तो वो काकी भी लगता है। तो उन्होंने आके पटापट पकड़ा और पटापट तोड़ दिया सभी और चले गए, ये देखो। तो ये हम बहुत ही मज़ा हो रहा था, वाले मैं बोल रही थी इसीलिए एक्सपीरियंस पर्सन का ज़रूरत होता है काम पे। उसके बाद मम्मी लग गए उसको सही से करने के लिए, ये तो फास्ट स्टेप था उसका दाड़ा तोड़ने का, वो बहुत ही डेंजरस होता है, ठीक है। ये समुंदर का कांकड़ा आप लोग देख रहे हो, तो मम्मी इसके बाद कैसे इसको साफ कर रहे हैं अंदर से, और इसका अंडे वगैरह अंदर है निकाल रहे हैं, वो आप लोग देखो, ठीक है। Thank you.
कांकड़ा मम्मी ने साफ करके दी इसका मैरिनेशन कर ली हूँ हल्दी नमक और मैंने सरसों का ऑयल डाल रही हूँ। इसके साथ आप लोग बहुत सारे मसाले भी डाल सकते हो बट मैंने सिंपल सा बनाया तो इसीलिए इसके वो मैरिनेशन करके रख दिया। ठीक है, बाद में मैंने रेसिपी चालू कर रही हूँ। जैसे आप लोग चिकन बनाते हो जैसे मसाले डालते हो उससे पूरा डालो। जैसे मैंने इधर थोड़ा कलर होने के लिए हमने शुगर डालते हैं थोड़ा ऑयल में, ये सरसों का ऑयल लिया गया है और उसमें थोड़ा सा शुगर डाली हूँ, उसके एक लवंग डाली हूँ। आप मीठा काट डाल सकते हो तो और भी बहुत अच्छे स्वाद होता है, स्मेल होता है। तो उसके बाद मैंने तेजपत्ता डाली हूँ, उसके बाद मैंने डाली हूँ रसून, रसून का पेस्ट। ठीक है, पूरा पेस्ट नहीं है, थोड़ा थोड़ा पेस्ट है। तो उसको थोड़ा फ्राई करने के बाद इसके बाद मैंने डाली हूँ ऑनियन। तो ऑनियन बाद में ऑनियन फ्राई होगा। ठीक है, अब चिल्ली मैंने ग्रीन चिल्ली दो पीस डाली हूँ, बाद में रेड चिल्ली डालूंगी करके। आप पूरा ग्रीन चिल्ली भी बना सकते हो बट मैं क्या बोल रही हूँ, आप लोग चिकन जैसे बनाते हो एकदम चिकन कोसा जैसे बनाते हो तो ऐसे पूरा ऐसे सब कुछ मसाले लो और बनाओ। ठीक है, ये देखिए पूरा ऑनियन मेरा फ्राई हो गया अच्छे से। तो मैं इसके बाद डाल रही हूँ अदरक का पेस्ट। ठीक है, अदरक का पेस्ट, तो इसको अदरक का पेस्ट के साथ ऑनियन वगैरह सभी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बाद में इसमें मैं डाल रही हूँ टोमेटो। ठीक है, टोमेटो में ग्रेवी अच्छा होता है सो इसीलिए टोमेटो बहुत ज़्यादा करके डाली हूँ। ठीक है, और आप लोग एक चीज़ें नोटिस किए हो क्या, मैं काकड़ा को फ्राई नहीं की हूँ। काकड़ा को कभी फ्राई नहीं करते हैं, मीन्स जब आप फ्राई खाना चाहते हो तो फ्राई करके खा सकते हो बट जब हमने करी में यूज कर रहे हो तो फ्राई नहीं करना चाहिए करी में। बाद में काकड़ा का खट्टा भी बनता है इमली से, तो उस टाइम पे आप लोग काकड़ा को फ्राई मत करें। ऐसे ही काकड़ा को मीन्स करी ऐसे उबलेगा और काकड़ा को उसमें छोड़ देना होता है। तो इसके बाद देखिए हल्दी और रेड चिल्ली का मैंने पानी में घुल के डाल दिया और वो तब तक हो रहा है। मम्मी इधर क्या कर रही, देखिए छोटा छोटा जो दाड़ा था काकड़ा का उसका अंदर भी मांस होता है तो उसको मम्मी ने अच्छे से पेस्ट ले रहा है और इसके बाद पानी डाल के ना उसका रस निकाल लेंगे। ठीक है, और ये देखिए इधर मेरा मसाला तैयार हो गया तो इसका इसमें हमने पानी डाल देंगे। ठीक है, पानी इसको अच्छे से मीन्स मसाले हो जाए अच्छे से उसके बाद हम पानी डालेंगे और वो जो मम्मी कर रहे थे वो दाढ़ा से पानी निकल रहे थे वो भी डालेंगे तो क्या होता है ना पूरा बहुत सारा अच्छे ग्रेवी आता है। ठीक है, और कांकड़ा का मीन्स करी भी बहुत ही अच्छा बनता है। ये देखिए मैं जो बोल रही थी मम्मी वही कर रहे हैं, इसमें पानी डाल के बहुत अच्छे से घीट लेंगे और सिर्फ पानी छान के पानी डालेंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने का मैरिनेशन हुआ कांकड़ा मैंने अभी डाल दे रही हूँ इधर मसाले में। कोई भी कांकड़ा को फ्राई नहीं की, ऐसे ही डायरेक्ट जा रहा है और इसका बड़ा बड़ा दाड़ा भी इसमें डालेंगे। ठीक है, ये देखो बड़ा बड़ा जो दाड़ा रहता है वो भी डाल रही हूँ मैं और ये मैं चूल्हा में बना रही हूँ। ठीक है, आप लोग देख रहे हो काठ का जालन में चूल्हा में और बहुत ही अच्छा होता है खाने के लिए। ये देखिए मम्मी जो ये निकलते पानी देके उसका छोटा छोटा दाड़ा का वो डाल दिए तो ये देखिए इसका ग्रेवी बन रहा है काकड़ा का, बहुत ही मस्त हुआ था टेस्ट में बता रही हूँ। कांकड़ा भी बहुत मस्त लगता है मुझे भी और राहुल को भी बहुत ही पसंद है कांकड़ा। सो इसीलिए वो जब आता है ना बंगाल, मीन्स हम जब जाते हैं तो एक बार ये रेसिपी होता ही है तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कैसे हम कांकड़ा का कोशा या कांकड़ा का करी खाते हैं। तो वही ये देखिए कांकड़ा एकदम बॉयल हो जाने के बाद हमने इसको निकाल देंगे और ज़्यादा झोल नहीं रखते हमने, एकदम कोसा कोसा। कैसे लगे ये रेसिपी और किस किस को पसंद है जरूर कमेंट कीजिए। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।